नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जनसेवा केंद्र के लिए इस प्रकार का बैनर बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर बैनर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस प्रकार का बैनर बनाकर आप अपनी दुकान का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं और नीचे यहाँ पर अपनी दुकान की सेवाएं लिख सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार का बैनर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कर लें। तो देखिए, आपको अपने मोबाइल से जनसेवा केंद्र का बैनर बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सेल ऐप की आवश्यकता होगी, जो आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको मोबाइल में पिक्सेल ऐप पहले से नहीं है तो आप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने सबको पहले से डाउनलोड कर रखा है, चलिए ओपन करते हैं। देखिए, जैसे आप अपने मोबाइल में पिक्सेल ऐप को ओपन करोगे आपके सामने प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट हटाना है। इसे हटाने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रुके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट हट चुका है। अब आपको नीचे यहाँ पर बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर फ्रॉम गैली का आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके फ़ोन की गैली ओपन जाएगी। गैली में आपको इस इमेज को चूज कर लेना है, मनी इमेज पहले से बना कर रखी, जिससे आपको बैनर बनाने में बहुत ही आसानी हो। अब आपको नीचे यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब चलिए सबसे पहले आप बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इस इमेज में लिखना, जो कुछ भी आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे सब कुछ बताएंगे। तो देखिए, आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को 20 सेकंड का देना है और आपको अपने मन में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर KBM हेल्प लिख दिया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करना है और आपको इसी पहली बार वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट पहुँच के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको वेबसाइट के यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में 227 पोस्टर लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 227 पोस्टर लिख दिया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 227 पोस्टर लिख कर यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप वहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा, जनसेवा केंद्र का पोस्टर कैसे बनाए, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ। इस प्रकार आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाओगे आपको यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा, पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकेंडें चलती दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पर सेकेंडें खत्म होंगी आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सेकंड ने खत्म हुई, डाउनलोड का बटन आ चुका है। आपको इसी डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे वो वाली इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब फिर से आपको यहीं पर आ जाना है। जैसे देखिए, फिर से मैं यहीं पर आ चुका हूँ। इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और ऊपर आपको यहाँ पर टेक्स्ट का आइकन देखिए। टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है। न्यू टेक्स्ट को हटाकर यहाँ पर सबसे पहले अपनी दुकान का नाम लिख देना है। इस प्रकार से लिख देने का तो ऊपर यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है और नीचे आपको यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करने का आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर कलर का आइकन देखिए। आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आप यहाँ पर बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो भी कलर रखना है उसी पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला कलर सेट कर लिया है और आप टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर ए बी फॉन्ट का ऑप्शन देखिए। आपको यहाँ पर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बहुत तरीके के फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको इनमें से जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसी फॉन्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर फॉन्ट बदल चुका है। अब आपको इसे बड़ा करके यहाँ पर रख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बड़ा करके रख देता हूँ। अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और ऊपर आपको यहाँ पर टेक्स्ट का आइकन देखिए। आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है। न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटाने का सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। आप यहाँ पर इस प्रकार से अपना नाम लिख सकते हैं और आप यहाँ पर रुके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर फिर से ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर कलर का आइकन देखिए। आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ब्लैक कलर सेट कर लेना है और आप यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर से आप आगे जाकर ए बी फॉन्ट पर क्लिक कीजिए और फिर से इसका फॉन्ट बदल कर ओके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर ये वाला फॉन्ट भी बदल चुका है। अब आपको इसे छोटा करके यहाँ पर रख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर छोटा करके रख देता हूँ। इस प्रकार से आपका यहाँ पर नाम भी लिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर पीछे आना है, जैसे कि मैं यहाँ पर पीछे आ रहा हूँ। पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी का बटन देखिए। आपको यहाँ पर कॉपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कॉपी के बटन पर क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर अब कॉपी हो चुका है। अब अच्छे से यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर ले आने के बाद डबल टैप करके इसे हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और आप ओके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी लिख जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी दुकान का एड्रेस लिखने के लिए फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट का वाले आइकन पर क्लिक करना है। टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटाने के बाद अपनी दुकान का एड्रेस लिख देना है और आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पर इसी ए वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आगे जाकर कलर वाले आइकन पर क्लिक करके कलर बदल देना है और आप यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक करके ए बी वाले फॉन्ट पर क्लिक करके यहाँ पर इसका फॉन्ट बदल दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर ये एड्रेस लिख चुका है। अब आपको इसे यहाँ पर खींच कर, जैसे देखिए मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, इसे खींच कर आपको यहाँ पर इसे छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी दुकान की सेवा
लिखने के लिए आपको यहाँ पर फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके नीट उसको आपको यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है, और आपको नीट उसको हटाकर यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है, और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आप यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर कलर के आइकन पर क्लिक करना है, और आपको इसका कलर बदल देना है, और आप टिक वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, और फिर से आपको आगे जाकर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करके फिर से आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसी पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख चुका है। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके रख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये रख दिया है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक को लिखना बताया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी दुकान की जो भी सेवाएँ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जब आपका पूरा बैनर बन जाए तब आपको सेव करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका बैनर आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो को जरूर पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कर लें।